नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिमन्यु और इस वीडियो में हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन द एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस। यार बड़ा ही सिंपल है ये, लेकिन हम लोग ना इंटरव्यू के टाइम में फंस जाते हैं, तो मैं फटाफट आपको ये चीज़ क्लियर करा देता हूँ कि एचटीटीपी होता है क्या और एचटीटीपीएस क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात हमें ये है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल यूज होता है हमारी वेबसाइट में। अगर हम किसी भी डाटाबेस को एक्सेस करते हैं या कोई भी हम वेबसाइट अपने बना रखी है, तो आप जब उसको एक्सेस करते हैं तो वहाँ पे एक प्रोटोकॉल यूज होता है जो कि सेट ऑफ रूल होता है, जिसका काम होता है कि आपकी वेबसाइट जो आप देखना चाहते हो, जो डेटा आप दिखाना चाहते हो, वो डेटा वहाँ पर रिप्रेजेंट होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की हेल्प से। ये क्या करता है कि जो सर्वर और क्लाइंट जो होते हैं, ठीक है, सर्वर और जो क्लाइंट होता है उसमें जो है डेटा जो है आपका सर्वर से क्लाइंट तक डेटा जो ट्रांसपोर्ट होता है वो विद द हेल्प ऑफ हाइपर टेक्स्ट होता है, जो आपको वेब पेज पे जो दिखता है, यानी कि जब आप ब्राउज़र में कोई भी आप वेबसाइट एंटर करते हो वहाँ पे जो डेटा आता है वो आता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि जो एचटीटीपी है वो बहुत ही लाइक सिक्योर नहीं होता, उसमें कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह यूज़ नहीं होते हैं, तो बड़ा ही सिंपल होता है और खाली जो एक प्रोटोकॉल है जो हेल्प करता है वेबसाइट को शो करने के लिए। ठीक है, अगर आपका कोई भी कॉन्फिडेंशियल डेटा है, जैसे कि अगर आप मैं बात करूँ अमेजोन और फ्लिपकार्ट टाइप से, मैं अगर बात करूँ या कोई भी आप कॉमर्शियल पोर्टल हैं जहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन जो है दूसरों के लिए यूजेबल है और आपके लिए हार्मफुल अगर वो चोरी हो जाती है, तो उस केस में आपको अपनी वेबसाइट पे सिक्योरिटी लगाने की ज़रूरत पड़ती है, और वहाँ पे जो प्रोटोकॉल बन के आया वो था HTTPS। ठीक है, तो HTTP और HTTPS में यही एक मेजर डिफरेंस है कि ये HTTP जो है नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्म होता है, और जो हमारा HTTPS होता है वो होता है HTTP यानी कि नॉर्मल फॉर्म और क्रिप्टोग्राफी प्रोटोकॉल। ठीक है, जो SSL और TSL हम यूज़ करते हैं, आपने सुना होगा SSL और TLS जो यूज़ करते हैं वो इसीलिए यूज़ होता है कि आपका इंफॉर्मेशन जो है सेफ हो सके। ठीक है, तो छोटा सा फटाक से इसका एक डिफरेंस भी देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है बेसिकली। ठीक है, ये एक पूरा निचोड़ है, यहाँ पे सीधी सी बात ये है, ये पूरा निचोड़ है कि क्या डिफरेंस है क्या नहीं है, और इसको आपको ही इसी को आपको इंटरव्यू में बताना और आप जो है सिलेक्ट हो जाने हो। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपको ये चीज़ समझ भी आनी चाहिए, समझ रहे हो, ये चीज़ आपको समझ भी आनी चाहिए कि क्या होता है। पहली चीज़ HTTP जो होती है, URLs begin with HTTP only, एंड जो HTTPS वाला URL होता है वो HTTPS के साथ स्टार्ट होता है। ठीक है, पोर्ट नंबर 80 जो है यूज होता है HTTP में, और HTTPS यूज होता है करता है 443। ठीक है जी, S यूज होता है, S नहीं यूज होता है, और पोर्ट नंबर 80 है HTTP में, और HTTPS में पोर्ट नंबर 443 यूज होता है। HTTP कंसीडर्ड टू बी अनसिक्योर, और HTTPS जो है आपकी सिक्योर है, और HTTP वर्क एन एप्लीकेशन लेयर एंड HTTP वर्क एट ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है जी, ट्रांसपोर्ट लेयर पे बता देता हूँ यार, और एप्लीकेशन पे बता देता हूँ डिफरेंस। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर जो होती है वो OSI मॉडल के बिहाफ पे यहाँ पे बात हो रही है, OSI मॉडल। अगर आप OSI मॉडल के बारे में कन्फ्यूजन है तो वीडियो आप देख सकते हो, मेरी प्लेलिस्ट में जाओ, चैनल पे विजिट करो और वहाँ पे OSI मॉडल आप देख सकते हो। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर जो होती है वो होती है यूज़र के लिए, यानी कि कोई भी डेटा, यानी कि आपने एक्सेस किए फ्लिपकार्ट, अब फ्लिपकार्ट का जो भी डेटा आपके डिस्प्ले पे आ रहा है, ठीक है, वो होता है एप्लीकेशन लेयर की हेल्प से, जो आपको विजुअल है वो एप्लीकेशन लेयर होती है, जो कि 7th लेयर होती है OSI मॉडल की। ठीक है, तो वहाँ पे ये HTTP काम करता है, क्योंकि सिर्फ डेटा वहाँ पे डिलीवर कर रहा है, दैट्स इट। फिर उसके बाद आता है HTTPS इज वर्क्स एट ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर जहाँ पे कम्युनिकेशन होता है कि कैसे हमारा कम्युनिकेशन, यानी कि सर्वर से क्लाइंट तक कैसे हमारा कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होगा, किस तरह से ये डेटा ट्रैवल होगा, तो यहाँ पे जो हमारा S यानी कि जो क्रिप्टोग्राफी हम सिक्योरिटी लेयर हम यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे वर्क करती है और एंश्योर करती है हमारे कम्युनिकेशन को। उसके बाद जो है डेटा जाता है एप्लीकेशन लेयर पे और यूज़र को व्यू होता है सिक्योर फोरम में। ठीक है, जहाँ पे आपकी सारा डेटा जो है सिक्योर रहता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया, HTTP वर्क करता है एप्लीकेशन पे और भाई HTTPS वर्क करे ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ठीक है, क्लियर हो गया था। फिर है इनक्रिप्शन इज अब्सेंट, वाह क्या
बात लिखी है, HTTP इंक्रिप्शन नहीं होता है जी, इनक्रिप्टेड इज प्रेजेंट इन HTTPS एज डिस्कस अबव। वाह क्या बात है। HTTP डज नॉट रिक्वायर्ड एनी सर्टिफिकेट, HTTP रिक्वायर्ड SSL सर्टिफिकेट, दैट इज सिक्योरिटी सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट, जो कि आप लोगों को पता भी होगा और हर चीज़ में आजकल यूज़ हो रहा है। इसके बिना कोई वेबसाइट खड़ी भी नहीं करता है, सबको डर लगता है अपनी इज्जत बचाने के लिए। तो ये था हमारा HTTP और HTTPS का निचोड़। आप इंटरव्यू में आप क्लियर हो सकते हो बिना किसी कोई दिक्कत परेशानी के, ये चीज़ बता दीजिए, आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाओगे। अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप सेलेक्ट हो 110%। तो चलिए, नमस्कार, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।